Good morning, happy Monday, and I'm just gonna edit my vlogs now and फिर उसके बाद थोड़ा कुछ खाऊंगी. वैसे I already have like a bread piece and chai early in the morning with Harry and he was having his breakfast. अभी भूख बिल्कुल नहीं है, so I'm just gonna start editing my vlogs because दो तीन दिन के pending vlogs हैं. तो yeah, I'm just gonna start with that. Then I'll eat something and then I'll start working on my videos. Like I'll shoot, I have to shoot videos, or I don't have like a video ready for Monday. तो वो भी मुझे edit करनी है. Shooted है unboxing video, so वो भी मुझे करनी है. Moreover, I have to also film my mini show haul as well today. So बहुत काम है आज. So let's get started with the work. And I was just reading the comments on my vlog channel and somebody mentioned that there's weird noise in my vlogs, and what I think it's of the fan. Yes, जो मुझे लग रहा है कि वो weird noise fan की है. I'm so sorry guys if it's very annoying, because but I can't really help it because it's so hot, and I'll try कि वो voice cancellation मैं कर पाऊँ, but I can't promise. So guys, मेरी Friday का vlog मेरा upload हो चुका है. I still have to edit two more vlogs for Saturday and Sunday. I don't know whether I'll combining the both or I'll be doing it separately. Anyways, अभी मुझे भूख फिर से लग गई है. So I'm just gonna make myself toast. I got this toaster as well yesterday जब हमने माइक्रोवेव लिया था, तो ये भी लिया. आई ऑलरेडी हैड लाइक अ ग्रिलर, बट हैरी लाइक्ड दिस काइंड ऑफ टोस्ट जो कि सील कर देते हैं यू नो ब्रेड को. सो इसलिए वी गॉट दिस एज वेल. एंड लेट मी जस्ट शो यू द माइक्रोवेव. इट्स नॉट ओपन येट बिकॉज हमें अभी डेमो के लिए हमारे पास कोई आया नहीं है. सो दिस इज द माइक्रोवेव. वी गॉट इट आई एफ बी माइक्रोवेव एंड बैक देयर एट माई मॉम्स प्लेस एंड at my in-laws place. वहाँ पर दोनों जो माइक्रोवेव हैं वो सैमसंग के हैं, एंड आई रियली डोंट लाइक दोज माइक्रोवेव. लाइक दे आर गुड माइक्रोवेव, बट दे आर नॉट गुड फॉर बेकिंग पर्पज. सो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था ताकि जिसमें मैं बेक कर सकूँ अच्छे से. लाइक आई लव टू बेक मफिन्स, केक्स, पिज्ज़ा, ब्रेड्स. सो इस तरह की चीज़ें मुझे बेक करनी पसंद है. तो बट दोज सैमसंग माइक्रोवेव्स डजंट वर्क फॉर मी. एंड मैं ओ टी जी लेना चाहती थी पर्सनली, बिकॉज बेकिंग का जितना भी काम है ओ टी जी में बेस्ट होता है. आप चाहे कुछ भी बोल दो, बट ओ टी जी इज़ द बेस्ट ओवन्स फॉर यू नो बेकिंग एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव. बट हैरी वॉन्टेड माइक्रोवेव बिकॉज हैरी को इडली खाना अच्छा लगता है, एंड आई कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स इन माइक्रोवेव्स. लाइक मैं ढोकला भी बनाती हूँ, बट इसलिए हैरी को माइक्रोवेव ही वॉज प्रेफरिंग. आई वॉज प्रेफरिंग द ओ टी जी. सो वी गॉट द आई एफ बी वन बिकॉज आई थिंक इट विल सॉल्व माई पर्पज ऑफ बेकिंग टू सम एक्सटेंट. आई वॉन्ट से आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ओ टी जी वाली ही फीलिंग आएगी, लाइक वो ही टेक्स्चर मिलेगा मुझे, बट टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट्स बेटर देन सैमसंग. Yeah, that's why I chose IFP. Anyways, I'm just gonna make myself toast and chai and I'll have my breakfast. Phir vlogs shoot karke, I have to shoot, not shoot, vlogs edit karke, I have to shoot videos. Yeah, so bahut kaam hai. That's my breakfast, toast and some chai. So guys, it's 2:30 right now, और मैं सुबह से आई एम एडिटिंग. या वीडियो शूट करनी थी, नहीं हो पाई. अभी मैंने तीन व्लॉग्स एडिट किए हैं, उन्हें अपलोड किया है, और दोपहर हो चुकी है. सिर्फ एडिटिंग टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम. इवन शूटिंग टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम. तो मुझे समझ नहीं आता कई बार हाउ टू डिवाइड माई टाइम. सो अब मैं सोच रही हूँ कि अब एडिटिंग पे बैठी हूँ तो अपना आज का वीडियो भी एडिट कर लूँ जो मेरा मेन चैनल पे जाएगा. सो या सो अगर वो एडिट करके अगर देयर इज टाइम लेफ्ट, लाइक इफ़ देयर इज इनफ नेचुरल लाइट, देन आई विल शूट अ वीडियो.
I also got one more box. It's a new subscription box. You know, I want to do like unboxing video for that as well. Itna kuch karna hai na, but aisa lagta I don't have time. Like editing takes a lot of time. तो पहले आज मैं एडिटिंग करूँगी एंड कल का दिन मैं एडिटिंग के लिए नहीं रखूँगी. नो, कल का दिन विल बी फॉर शूटिंग बिकॉज आई सो प्रोक्रास्टिनेट शूटिंग वीडियोस. और जिस दिन मैं करती हूँ उस दिन मैं 3-4 इकट्ठी कर लेती हूँ. सो अभी एडिटिंग करते हैं. अगर डे लाइट इज स्टिल देयर आफ्टर सम टाइम आफ्टर एडिटिंग माई वीडियो आई विल शूट द वीडियो देन. इसीलिए आई वॉन्ट रिंग लाइट बिकॉज आई डोंट हैव एनी फिक्स टाइम. इफ आई एम एडिटिंग आई विल कीप ऑन एडिटिंग एंड इफ़ एम शूटिंग आई कीप ऑन शूटिंग. सो इसीलिए मुझे आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत ज़्यादा लगती है. एनी वेज आई एम जस्ट गोना एडिट माई टूडेज वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो. आई थिंक आई एम जस्ट गोना पुट लेडी रागा अनबॉक्सिंग वीडियो फर्स्ट. या एक और बॉक्स था मेरे पास जो आया हुआ था. विच बॉक्स दैट वॉज यूफोरबिया बॉक्स. या वो भी है. देखते हैं कौन सा पहले डालूंगी. आई थिंक लेडी रागा डालूंगी. या So I just edited today's video, uploaded it, scheduled it, and now I'm having my lunch. And yeah, अब I think मैं अपनी वेंसडे की वीडियो भी अनबॉक्सिंग वीडियो भी अभी ही एडिट कर लूँगी बिकॉज आई डोंट थिंक देर इज़ टाइम लेफ्ट फॉर टू शूट अ वीडियो. आई रियली विश कि मुझे लाइटिंग मिल जाती तो मैं पक्का पक्का से कर लेती. लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा हो जाता है बिकॉज एक रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ मैं कि इतने से इतने के बीच में ही मुझे जो वीडियो शूट करनी है. मतलब आई कांट शूट अकॉर्डिंग टू माय मूड. सो एनीवेज कोई नहीं. लाइटिंग की प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व होगी बिकॉज आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट. सो वीडियोस कल पक्का से एटलीस्ट 3 वीडियोस में शूट करूँगी. आई नो मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ आपको बट आई ऑलवेज यू नो लैग. Anyways, तो आज editing का ही काम करूँगी बिकॉज आई एम इन द मूड ऑफ एडिटिंग टूडे. शूटिंग मूड अभी है भी नहीं है. सो या एंड आज मुझे थोड़ा डिनर भी बनाना है. लाइक डिनर के लिए आई एम थिंकिंग कि कढ़ी बनाऊँ आज बिकॉज दही पड़ा है बहुत पुराना. सो आई वॉन्ट टू मेक कढ़ी. या So guys, I'm just chilling in the balcony. It's nice weather, nice evening, and the sun is looking so beautiful. I'll just show you. Look at that sunset. It looks so beautiful. Oh my god. Love the colors. So guys, for dinner, I am making curry. Or curry abhi pak rahi hai. Oil mera ho raha hai garam. Bas mujhe pakode nikalne hain. And I am making the way my mother-in-law makes. And I have a full recipe for this on my vlog channel only. So if you're interested, go and check it out. Yeah, so फटाफट से पकौड़े निकाल के कढ़ी को अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो तब तक मैं वो पकौड़े निकाल लेती हूँ. सो मेरी कढ़ी तैयार है पर जो मेरे पकौड़े जो मैंने बाद में डाले थे वो एक्चुअली घुल गए हैं. मैं एक्चुअली थोड़ी देर पकौड़े डाल के कढ़ी को भूल गई थी और वो इतने घुल गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा. अब आई होप ये अच्छी बनी है. आई होप लेट मी जस्ट टेस्ट.